कोविड-19 पेंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पिछले लगभग 1.5 वर्ष से रखी और चुनौती के समय भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के गरीब और देश की जनता को अलग अलग राहत समय समय पर देने का काम किया और वहीं पर मेक इन इंडिया वैक्सीन बनाने का काम भी हुआ, वैक्सीन बनाई भी और लगाने के काम में भी आज एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत ने पूरा किया है, जिसके अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सभी राज्यों को बधाई देता हूं। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भय और भ्रम की स्थितियां भी पैदा की गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़कर आए, वैक्सीनेशन करवाया और भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का एक मुकाम हासिल किया है। ये बड़ी उपलब्धि है और इस समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें नेतृत्व दिया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका आभार प्रकट करते हैं। दूसरा, आज जो महत्वपूर्ण निर्णय पे अगर मैं आऊं तो एक और जहां देश में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई, वहीं पर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3-tier सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट सचिव करेंगे और इसके सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन मेंबर कन्वीनर के रूप में काम करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा और इस मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन में स्थित एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट द्वारा सपोर्ट किया जाएगा और इस टीएसयू में आपके एविएशन, मैरिटाइम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड एंड हाईवेज, पोर्ट्स, इन सब विभागों के डोमेन एक्सपर्ट रहेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे अर्बन एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि रोड, ब्रिज और बिल्डिंग्स के, पावर, पाइपलाइन, जीआईएस, आईसीटी, फाइनेंस मार्केट, पीपीपी, लॉजिस्टिक, डेटा एनालिटिक्स वगैरह, उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी इसके हिस्सा रहेंगे। ये अपने आप में पीएम गतिशक्ति योजना, बुनियादी ढांचा योजना में इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंट कोऑपरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में गेम चेंजर साबित होगी और हमारा मानना भी है कि गतिशक्ति विकास परियोजना के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव का संकेत देता है। गतिशक्ति संसाधनों और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग, दक्षता बढ़ाने और अपव्यय को कम करना सुनिश्चित करेगा। एक और निर्णय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वृद्धि के आधार पर तथा एक स्वीकृत फॉर्मूला के अनुसार किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया राशि, जो बकाया किश्तें हैं, उसकी बहाली को अनुमोदित किया गया था और डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। आज इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स हैं उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है।
इससे जहां एक और 47 लाख 14 हजार सरकारी केंद्र के कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, 47 लाख 14 हजार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68 लाख 62 हजार पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9488.74 करोड़ रुपये आएगा। यह भी निर्णय आज किया गया है। इससे हमारे लाखों कर्मचारियों को और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। वी विल नाउ टेक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैबिनेट ब्रीफिंग ओनली। नंबर 58। सर, कैबिनेट में इस दो फैसले के अलावा क्या वैक्सीनेशन 100 करोड़ की संख्या पार करने के मुद्दे पर भी कोई चर्चा हुई? मुझे लगता है पूरे देश में ही आज चर्चा है, क्योंकि दुनिया में भारत ने वो मुकाम हासिल किया है। देखिए, बड़े बड़े देश, विकसित देशों में भी जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइव शुरू की गई, लेकिन भारत जिस मुकाम पर पहुंचा है, 100 करोड़ नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि चाहे बर्फीले पहाड़ों को पार करके जाकर, नदियों को पार करके, दुर्गम क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जाकर जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को हमारे डॉक्टर्स ने, लैब टेक्नीशियंस ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और इससे मुहिम से जुड़े हुए लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दुनिया आज भारत की ओर देख रही है कि 100 करोड़ का आंकड़ा पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल शायद इस समय के दौरान कोई सोच भी ना रहा हो कि क्या होगा, लेकिन चंद महीनों के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जो लोग कल तक ताली और थाली पर मजाक उड़ाते थे, उनके सामने भी आया है। जो लोग कल तक भारत की वैक्सीन के ऊपर प्रश्न खड़ा करते थे, उनके लिए भी जवाब है कि हिंदुस्तान की जनता ने अपने वैज्ञानिकों पर, मेक इन इंडिया पर विश्वास भी किया और वैक्सीन ने भारत के करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम भी किया है। 106। सर, कैन यू जस्ट रिपीट, लाइक फ्रॉम व्हेन विल द डीएनएस अलाउंस बी इफेक्टिव एंड व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट फॉर दिस इंक्रीज? द एनुअल कॉस्ट टू द गवर्नमेंट विल बी 9488 करोड़ एंड देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 3%। एंड इफ यू लुक एट द लास्ट इंक्रीज that was increased from 17% to 28%. Now it has further increased by 3% from 28% to 31%. And from 1st of July 2021, it will be implemented and 47.14 lakh government employees and 68.62 lakh pensioners will benefit out of this. देखिए, सारा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महामारी के समय देश को नेतृत्व दिया, राह दिखाई, मुसीबत के समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए, 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया, मॉरेटोरियम पीरियड बैंकों के माध्यम से दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए का इनिशियल स्टेज पर बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर पैसा भी दिलाया और टीसीएस टीडीएस में कटौती भी की, बहुत सारे ऐसे काम कदम उठाए जो आपदा के समय एक एक कदम बड़ा राहत भरा देश के लोगों के लिए था। लेकिन वैक्सीनेशन उसमें एक ऐसा बड़ा कदम है जिसने सही मायने में आम आदमी को बहुत बड़ी राहत दी है। किसी व्यक्ति को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। पूरे देश के 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए, हर राज्य, देश के हर कोने के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध भी करवा कर दी गई और ये एक बड़ी उपलब्धि है। आप में से मित्रों ने बार बार पूछा क्या प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी गई। मुझे लगता है केवल कैबिनेट के साथियों और सहयोगियों की तरफ से ही नहीं, आज पूरा देश कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता है, उनको बधाई भी देता है। और ये लोगों की भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाई
और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जाकर वैक्सीनेशन की। ये दो बहुत बड़ी बातें हैं और ये तब हुआ जब विश्वास लोगों का मोदी जी पर है और उनके कार्यक्रमों पर है, उनकी नीतियों पर है।